हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोगों का अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बिफोर आई स्टार्ट टुडेज वीडियो, लेट मी क्विकली गिव यू एन इंट्रो अबाउट आवर चैनल, व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट वी आर डूइंग हियर व्हिच विल हेल्प यू इन योर करियर चॉइस ऑफ लॉ। तो यहाँ पे हम सिर्फ एग्जाम्स की तैयारी ही नहीं, दैट इज एग्जाम्स रिलेटेड थियोरीज, क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के सेशंस ही नहीं करते हैं, बट वी ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू लॉ एज अ करियर, कि लॉ एज अ करियर, एज अ करियर ऑप्शन कैसा है। वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स कमिंग ऑन दिस चैनल एंड टॉकिंग टू अस एंड शेयरिंग देयर इनसाइट्स एंड देयर एक्सपीरियंसेस विद अस। द आइडिया बीइंग दैट वी वांट टू गिव यू ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू विल नीड इन ऑर्डर टू मेक दैट डिसीजन ऑफ योर्स of taking up law, which law college to go into, how to apply for all of these law colleges, much easier. And इसलिए मैं मेरी ये सीरीज आजकल चल रही है जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को और बता रहा हूँ अबाउट द वेरियस ऑप्शंस दैट यू हैव व्हेन यू आर प्लानिंग टू टेक द लॉ एग्जामिनेशन। अलग अलग कॉलेजेस, उनके प्रोग्राम्स, उनके रैंकिंग्स, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं एंड उसके सिलेबस के बारे में मैं इन सब वीडियोस में बताता हूँ। तो आज भी मैं वैसा ही एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, विच इज गोइंग टू टॉक अबाउट BHU LLB 3 years। नाउ बिफोर आई गेट इन टू वॉट इज द प्रोग्राम ऑल अबाउट, उन लोगों का मैं डाउट सॉल्व कर लेता हूँ जो रेगुलरली पूछते रहते हैं कि सर 3 year LLB और 5 year LLB में क्या डिफरेंस है, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 year LLB एंड 5 year LLB। तो उन लोगों के लिए मैं आपका ये सवाल सबसे पहले सॉल्व कर देता हूँ एंड देन वी शैल टॉक अबाउट द प्रोग्राम दैट इज द BHU LLB 3 year प्रोग्राम। तो 5 year में आप क्या होता है, आप 12th के बाद में जो है आप आपका एग्जाम लिखते हो, आफ्टर योर 12th यू राइट एन एग्जामिनेशन, बट LLB डिग्री इज समथिंग दैट नीड्स यू टू फर्स्ट बी अ ग्रेजुएट। So what you get to do is, because you have right after your 12th, they consolidate 2 degrees into one, and instead of being a 3+3 year course, it becomes a 5 year consolidated course where you graduate with 2 separate degrees. Now there are a lot of students just like me, even I decided to pursue law after my graduation was over. तब तक दूर दूर तक इसका कोई नामो निशान नहीं था इस ऑप्शन का, I had dabbled with it but कभी decide नहीं किया था। तो At that time, even I had to figure out and find out good law colleges, कि कहाँ पे apply कर सकते हैं, कौन कौन से colleges हैं। तो इसी तरह से अगर आप 3 year LLB का program लिख रहे हो, तो आपको सबसे पहले requirement होगी अब of minimum graduation। Graduation के कुछ requirements हैं BHU LLB में separately जो मैं बताऊँगा आगे इस video में, but आपका minimum graduation complete होना चाहिए। आपका eligibility requirements अगर clear हो जाता है तो आप जाके वो examination को ईजिली क्लियर कर पाओगे। उन कई कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं आजकल, तो आपको वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे के उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। चलिए तो अब बात करते हैं अबाउट BHU LLB 3 year कोर्स के क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हो, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्जामिनेशन का, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताने वाला हूँ। बट बिफोर दैट लेट मी क्विकली टेल यू अबाउट द न्यू बैचेस दैट आर कमिंग। अगर आप CLAT, MHCT या BLAT 2020 जो 2021 में होने वाला है उससे रिलेटेड आपको अगर तैयारी करनी है तो, और 2022 में होने वाला है उसके रिलेटेड अगर आपको तैयारी करनी है, तो एक नया बैच स्पेशली उस एरिया के लिए तैयार हो चुका है, गोइंग लाइव ऑन 20th September। तो ये बैच के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अब अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ़ यू आर समबडी हु हैज डिसाइडेड कि यार नहीं मैं 11th से ही तैयारी करूंगा इस एग्जामिनेशन की क्योंकि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, इन दैट केस आपको 2 साल की तैयारी भी मिलेगी, यू विल बी कम्प्लीटली थरो बाय द टाइम यू रीच द एग्जामिनेशन। उसके लिए एक अलग से बैच है 2023 का CLAT, MHCT एंड BLAT एग्जामिनेशन के लिए, और एक ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव बैच और चालू हो रहा है जिसमें मैं भी पढ़ाने वाला हूँ 22nd September। एंड इन सब बैचेस की खासियत ये है, थियोरी सिखाई जाएगी आपको रेज अ हैंड फीचर के साथ, डायरेक्टली फैकल्टी से बात करने का मौका मिलेगा, और इतना ही नहीं आपको मंथली कंपेंडियम्स भी मिलेंगे करंट अफेयर्स और GK के, मेकिंग इट मच ईजियर टू टैकल दैट वन एरिया जो सब स्टूडेंट्स डरते हैं कि सर GK कैसे याद रखें। तो अब आपके लिए वो शॉर्टकट मेथड बना दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, वीकली सेक्शनल टेस्ट भी दिए जाएंगे, विच विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम इन अ मच बेटर मैनर। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया और सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप 10% डिस्काउंट
ले सकते हैं आराम से। लिंक नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, खुशहाल लाइव मेरा कोड यूज़ कीजिए एंड पे फॉर योर सब्सक्रिप्शन, और वेन एवर यू आर गेटिंग योर सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज़ दिस टू गेट अ 10% डिस्काउंट। नॉट जस्ट दैट, ये कोड से आप काफ़ी सारे फ्री कंटेंट भी अनलॉक कर सकते हैं, यानी कि टेस्ट, लाइव क्विजेस, GK सीरीज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनअकैडमी में कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंक्लूडिंग कुछ ऐसी स्पेशल क्लासेस जो फैकल्टीज हर दिन लेती है। हर फैकल्टी हर दिन एक ना एक क्लास अनअकैडमी पे कम्प्लीटली फ्री लेती है, तो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए इन योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, चाहे आप डीलैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या MHCET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। Now let us talk about the examination as a whole. Let us just talk about what are the requirements that are required for the LLB 3-year program. So, सबसे पहले तो BHU इतना reputed college है, उसे हर साल बहुत सारे application मिलते हैं, and which is why their 3-year law program has an entrance test. अगर आप BHU की website पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि examination का नाम है BLAT, examination का नाम है UET, but हम जब नॉर्मली रेफर करते हैं तो उसे BLAT की तरह रेफर करते हैं। सो इफ़ यू एवर विजिट देयर वेबसाइट, डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि यार यहाँ पे तो UET बोल रहे हैं और सर ने तो BLAT बोला था, ये क्या डिफरेंस है। नो, इट इज़ द सेम एग्जामिनेशन, दे जस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, वो इस तरह से कुछ उसका फुल फॉर्म है, तो बस वो उनका कोनोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी वो बात इसी टेस्ट की कर रहे हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी की, यानी आपके पास मिनिमम जो है 50% मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में ओवरऑल एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स आपको, यानी आपकी ग्रेजुएट डिग्री में 50% मार्क्स अगर आपको आए हैं तभी आप ये प्रोग्राम में एनरोल कर पाओगे या उसका एंट्रेंस टेस्ट भी लिख पाओगे। However, अगर आपके पहली डिग्री में नहीं आया एंड देन यू वेंट ऑन टू डू अ PG और एनी अदर ऑल्टरनेटिव डिग्री वेर यू हैव स्कोर्ड 50% मार्क, तो आप वो मार्क्स डेफिनेटली डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो मार्क्स यूज करके यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। रही बात एज की, नाउ मेनी कॉलेजेस डू नॉट हैव एन एज रिस्ट्रिक्शन बट सर्टन कॉलेजेस डू। अब जैसे कि 3 ईयर के प्रोग्राम की बात है, तो ड्यूरिंग द ईयर वेन दे आर टेकिंग एडमिशन आपकी उम्र 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी July 1st को अगर आपकी उम्र 30 हो जाती है देन यू विल नॉट बी एबल टू राइट द एग्जामिनेशन। बट उससे पहले अगर आप एक दिन भी पहले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेझिझक लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। 2 घंटे का एग्जाम है, 150 क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चंस है एंड हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। सो अगर आंसर सही हुआ तो 3 मार्क्स, 450 मार्क्स का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग है -1, दैट इज 1/3, यानी 33% ऑफ योर मार्क्स विल गो अगर आप कोई आंसर गलत दे देते हैं। दैट इज 33% ऑफ 3 मार्क्स, दैट इज 1 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग होगा इस सिचुएशन में अगर आप आंसर गलत कर देते हैं इस पेपर में। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है। ज़्यादा एग्जॉस्टिव तो नहीं है उनकी तरफ से, बट BHU, DU इस तरह के जो एग्जामिनेशंस हैं ये थोड़ा सा और फोकस आपकी GK लीगल की तरफ देते हैं, लैंग्वेजेस की तरफ देते हैं, तो ये एग्जामिनेशन भी कुछ वही फॉर्मेट फॉलो करता है। एंड मोर देन एनीथिंग एल्स, देयर इज़ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस गिवन टू लीगल अफेयर्स, करंट लीगल अफेयर्स, लॉ की दुनिया में क्या क्या चल रहा है, वॉट आर द लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स दैट हैव बीन पास्ड, ये सारी जो क्वेश्चंस है इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे इस एग्जामिनेशन में, तो ज़रूर उनके लिए प्रिपेयर करके जाइएगा। अब मैं आपको बताता हूँ हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द एरियाज ऑफ क्वेश्चंस। 4 एरियाज हैं यहाँ पे, उन 4 एरियाज में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, GK एंड करंट अफेयर्स। एंड GK में जो है आपको कुछ ये करंट अफेयर GK का जो एरिया है वो एक ही साथ आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, बेसिक इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब देश दुनिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं इम्पॉर्टेंट, स्पेशली पॉलिटिकल थिंग्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसीज, रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस एंड नेशनल इम्पोर्टेंस,
इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रेगुलरली फॉलोइंग द न्यूज़पेपर, स्टेइंग अपडेटेड एंड यूजिंग द कंपेंडियम्स प्रोवाइडेड इन द अनअकैडमीज क्लासेस। अब आते हैं एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी पे। एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी पे कुछ बेसिक तरह के जो लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस हैं वही आपको पूछे जाने वाले हैं यहाँ पे भी। द मोस्ट बेसिक ऑफ पजल्स, ब्लड रिलेशन सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएगी। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। एक और बार आपको जल्दी से मैं स्लाइड दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोगों ने शायद मिस आउट कर दिया था अर्लियर। तो ये 30 साल की एज की बात की गई है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने दे दिया है आपको 120 मिनट्स, कितने टाइम का एग्जाम है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी डिटेल्स आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके सेव करके रख सकते हैं इफ़ यू विश टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन डिटेल, और या फिर आप वीडियो को भी रिवाइंड करके आराम से देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। इतना ही नहीं, ये रहा आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का पोर्शन जो मैंने यहाँ पे डाला है, एंड द एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी पोर्शन, किस किस तरह के टॉपिक्स आपको वहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। देन अनदर एरिया इज इंग्लिश लैंग्वेज। वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली तो कुछ उन्होंने बताया नहीं है कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन कौन से ग्रामेटिकल एरिया से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाउएवर ये बताया गया है कि कौन कौन से मेजर एरियाज जो हैं आप फोकस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, लीगल इश्यूज जो चल रहे हैं जो वैसे भी आप जीके के लिए भी पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ लॉ यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, एंड इन सबको अप्लाई करने की भी आपको एबिलिटी होनी चाहिए। हाउएवर जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ पे सिर्फ लीगल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस नहीं, लीगल एप्टीट्यूड यानी लॉ से रिलेटेड चीज़ों के भी सवाल आपको पूछे जाएंगे, तो उससे भी आपको तैयारी करनी है। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखने हैं, इस साल में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं हमारे लीगल वर्ल्ड में वो आपको बताना है। सो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको अपना प्रिपरेशन चालू करना है फॉर दिस एग्जामिनेशन। नाउ अनदर थिंग दैट बीएचयू इज आल्सो एन ऑप्शन दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी रिप्यूटेड कॉलेज, इज द फैक्ट दैट द फीस फॉर दैट 3-year प्रोग्राम इज वेरी वेरी लेस। इट्स अ वेरी बजट फ्रेंडली, इट्स अ गवर्नमेंट बजट फ्रेंडली कोर्स, अनलाइक मेनी अदर कोर्सेज दैट वी सी आउट दैट 3-year का प्रोग्राम काफ़ी, सो एनीबडी हु डजंट वॉन्ट टू यू नो स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर एजुकेशन, हु इज नॉट एबल टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम बट स्टिल वॉन्ट टू गेट क्वालिटी लीगल एजुकेशन, ये बहुत बढ़िया चॉइस है। आपको वही फैकल्टी मिलती है जो BHU के 5-year प्रोग्राम को टीच कर रही हैं, एक्सेस टू फैसिलिटीज़ मिलता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली किसी भी कॉलेज को आप किस चीज़ से मेजर करते हैं कि वो कॉलेज आपको माहौल कैसा देता है, वेदर इट्स अ फर्स्ट रैंक कॉलेज, NLU, non-NLU, अगर वो कॉलेज आपको ऐसा माहौल दे रहा है जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव लोग मिलेंगे जो आपको पुश करेंगे और बेटर करने के लिए, तो वो कॉलेज बहुत बहुत बढ़िया चॉइस होता है फॉर anybody, and that is regardless of what tier of college you are going into. तो ये था मेरा आज का वीडियो अबाउट BHU LLB examination. अगर आप में से किसी को भी कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई या आप और कुछ भी जानना चाहते हैं तो let me know in the comments down below with all your queries, comments, all suggestions and feedback that you may have for me. And session end करने से पहले एक और बार मैं आप लोगों को याद दिला दूँ that आप अनअकैडमी की सारी फ्री सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। आपको नीचे का दिया जो लिंक है वो उस पर क्लिक करना है, मेरा कोड यूज़ करना है कुशाल लाइव, ये कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते टाइम 10% डिस्काउंट यूज़ करने के लिए भी कर सकते हो, या फिर जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तब फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कोड यूज़ करें एंड डाउनलोड करें आपको जल्दी, एंड इफ़ यू हैवेंट येट लाइक्ड आवर वीडियोज, if you haven't yet shared it with your friends and if you haven't clicked on the notification icon, wo jaldi se kar le taki jab bhi hum unacademy pe live aa jaye you can get access to all the various classes that we are taking. Isi note pe aap logo se bahut jald mulaqat hogi. Thank you so much for attending today's session. Bye bye and take care.